ये हमारा ट्रेनिंग चल रहा है कार एसी रिपेयरिंग का। मेन चीजें क्या होती है, टेस्ट कैसे करना होता है वो हम लोग आज बताने वाले हैं एसी की क्लास में। यहाँ पर चल रहा है इनका एक अलग कोर्स चल रहा है, अलग ट्रेनिंग चल रहा है, सस्पेंशन का सॉकर रिपेयरिंग वो अलग है। इसमें हम लोग बात करते हैं कार में हमारे चार मेन कंपोनेंट चाहिए एसी में, कितने कंपोनेंट, चार। इनको भी अभी मैंने बताया था, एक लगता है सबसे आगे हमारा कंडेंसर, कंडेंसर का अलग रहता है हमारा गाड़ी के फ्रंट में लगा रहता है कि जब भी गाड़ी हमारी हाईवे पर चलेगी तो हवा यहाँ से अंदर जाएगी और हमारे कंडेंसर को ठंडा करेगी। कंडेंसर लगता है रेडिएटर से पहले, पहले कंडेंसर आएगा फिर आएगा हमारा रेडिएटर, तो ये आ गया हमारा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद ड्राइव कंडेंसर को कौन मतलब गैस कौन फ्लो करता है कंडेंसर को, हमारा कंप्रेसर, इसको बोलते हैं एसी का कंप्रेसर। ये रहता है हमारा एसी का कंप्रेसर, इसको बोलते हैं हम लोग एसी कंप्रेसर। इसमें हमारे दो वायर होते हैं, इसमें हमारे दो वायर होते हैं, इनको दिखाओ वायर को पास लग, ये वायर है एक प्लस होता है और एक इस होता है इसमें एक माइनस होता है। कंप्रेसर ड्राइव होता है सिर्फ दो वायरों से। गाड़ी में हमारे में जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो एक तो होता है प्लस का टर्मिनल और एक होता है माइनस का टर्मिनल। आप कोई भी गाड़ी देखें जो माइनस टर्मिनल रहेगा ब्लैक वाला वो हमेशा बॉडी से अटैच रहेगा, बॉडी से टच रहेगा कि पूरा हमारा जो जो करंट है वो हमारा बॉडी में जाए, और जो प्लस वाला है वो हमारा पहले मेन फ्यूज बॉक्स में जाएगा, रिले में जाएगा, इग्निशन स्विच पे जाएगा, वहां से फ्लो होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एसी की, तो एसी में चार कंपोनेंट हमारे क्या है, एक तो हो गया कंडेंसर जो सबसे आगे लगा रहेगा, एक रहेगा हमारा एसी कंप्रेसर, कंप्रेसर एसी कंप्रेसर इसको बोलते हैं एसी कंप्रेसर। एसी कंप्रेसर से हमारी गैस हमारी किस में जाती है, कंडेंसर में। तो एसी कंप्रेसर जो हमारे कंडेंसर में जाएगी इसको बोलते हैं हम लोग हाई प्रेशर पाइप। कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर कहां से बना, एसी कंप्रेसर ने प्रेशराइज कर गैस को भेज रहा है तो यहां से ये कंप्रेसर बना रहा है। इसके बाद यहां से हमारा गया कंडेंसर में, कंडेंसर से हमारा जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व में, किसमें जाएगा एक्सपेंशन वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, जो हमारा प्रेशर है उसको स्लो डाउन करता है, किसके लिए, कूलिंग कॉइल के लिए। ये हमारी कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल। तो चार मेन कंपोनेंट है एसी कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन और फिर हमारा कूलिंग कॉइल। अब काम कैसे करता है ये, गाड़ी हमारी एसी काम करेगा हमारा हमेशा जब गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो हमारा एसी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो पुली है ये ड्राइव किससे लेती है, ड्राइव ये बेल्ट से, टाइमिंग बेल्ट है सिर्फ नॉर्मल बेल्ट से। आपने देखा होगा पहले टाटा की गाड़ी आती थी इंडिगो, इंडिगो उसमें किचक किचक किच 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 की आवाज आती थी, तो वो क्या होती थी बेल्ट जब लूज हो जाती है स्लिप होती है। तो गाड़ी कंप्रेसर वाला तभी काम करेगा जब हमारा इंजन इसको ड्राइव करेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार आ रही है टाटा नेक्सॉन महिंद्रा वैरी टू इलेक्ट्रिक, उसमें क्या है कि इस पे हम लोगों ने मोटर लगा दी है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर। वो पावर किससे ले रही है, हमारी बैटरी से, और डायरेक्ट इसको घुमा रही है, तो वो काम करता है हमारे इलेक्ट्रिक कार में। पेट्रोल और डीजल कार में जैसे इंजन स्टार्ट करेंगे वैसे ये घूमना स्टार्ट होगा। तो इसमें डबल पुली है, एक पुली हमारी किससे ड्राइव लेगी, क्रैंकशाफ्ट से, बीच वाली पुली किससे अटैच है हमारी कंडेंसर के, जो हमारा जो कंप्रेसर है ये कंप्रेसर के शाफ्ट से, जो कि प्लंजर है पिस्टन है उनको ड्राइव करता है। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या घूमेगी, भार वाली पुली घूमेगी। जैसे आप देखो इधर आइए, ये जो पुली है ये अभी अभी रुकी हुई है, देखो ये वाली, या फिर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो अंतर की इसकी कंप्रेसर की पुली घूम रही है लेकिन भार वाली वहीं की वहीं है। और इसको मैं रोक लूंगा तो उसको देखिए ये यही की यही रुकी है और ये पुली भार वाली घूम रही है। तो जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे ये वाली पुली घूमना स्टार्ट होती है। ये इसमें इस पुली में इंटरनल पुली और आउटर पुली के बीच में क्या रहता है, मैग्नेट्स। और मैग्नेट के लिए दो वायर है, एक प्लस वायर है एक नेगेटिव है। नेगेटिव वायर हमेशा कंप्रेसर से क्या रहता है, अटैच रहता है बॉडी से अटैच है। क्यों, क्योंकि बैटरी से करंट पहले हमारा नेगेटिव में जा रहा है। तो कभी भी मान लो गाड़ी आपके पास रिपेयर होने आई है,
कि गाड़ी का हमारा एसी काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे पहले, और गाड़ी स्टार्ट करके इस पॉजिटिव वाले में बैटरी से डायरेक्ट करंट देंगे कि पॉजिटिव देके पुली, इंटरनल पुली चालू हुई या नहीं हुई। अगर चालू नहीं हुई है तो इसके अंदर जो मैग्नेट है उसको चेंज करेंगे हम लोग और वो हमारा चालू हो जाएगा। अगर मान लीजिए बैटरी से प्लस वायर आपने डायरेक्ट इसको दे दिया प्लस वायर, और प्लस वायर दे के भी ये चालू नहीं हो रहा कंप्रेसर, तो क्या खराब है हमारा मैग्नेट, खराब है हमारी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो ट्रेंड मैकेनिक नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, गाड़ी आई वो पहले ही फ्यूज चेक कर लिया, रिले चेक कर ली, स्विच खोल दिया, मतलब हमने अपना टाइम दिया। क्यों टाइम दिया हम अपना, दो मिनट में आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी का कंप्रेसर एसी कंप्रेसर सही है खराब है, दो मिनट में आप गाड़ी में बैठेंगे, फ्यूज बॉक्स चेक करो, रिले चेक करो, वायर लाओ, बल्ब लगाओ, वो हो गया टाइम पुराना। गाड़ी आई है डायरेक्टली प्लस वायर लो बैटरी में, और प्लस वायर किस में लगाना है डायरेक्ट हमें कंप्रेसर पे। अगर ये घूमना चालू हो गया तो हमारी फिर हम लोग किस पे जाएंगे, फ्यूज को चेक करेंगे, रिले को चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे, अदरवाइज हमारा मैग्नेट खराब है। अगर हमारा ही बैटरी के वायर लगा के ही कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा, फिर हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका फ्यूज। जैसे कोई भी गाड़ी है उसके यहाँ पर हमारे फ्यूज बॉक्स पे ही यहाँ पर इम्पिंज रहता है, वो लिखा हुआ रहता है एसी फ्यूज, एसी ब्लोअर फ्यूज, या फिर इग्निशन स्विच, तो इसके नीचे ही कोई भी गाड़ी हो इसके नीचे ही लिखा हुआ रहता है कि अगर हम यहाँ पर फ्यूज लगते हैं इसके, तो यहाँ पर फ्यूज आता है, कुछ गाड़ियों में अंदर ही फ्यूज आते हैं, तो वो कंपनी के ऊपर है कि वो पूरे फ्यूज को एक साथ दे रही है या फिर आधे अंदर आधे बाहर दे रही है, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के मैन्युफैक्चरर पे कि मेन मेन फ्यूज को बाहर देते हैं, छोटे छोटे फ्यूज को अंदर देते हैं। तो मेन जो खराब रहता होता है एसी में वो कंप्रेसर खराब रहता है। दूसरी चीज, कंप्रेसर हम लोग को ठीक करने के लिए सिर्फ इसमें मैग्नेट डाल सकते हो, बाकी इसमें रिपेयर होते हैं बहुत कम, लेकिन ये सक्सेस नहीं है। अगर एसी कंप्रेसर खराब है, मान लो मारुति स्विफ्ट का लाओगे तो 20-25 हजार में कंप्रेसर आता है। अगर नॉर्मल हमारे इंडिया में क्या है कि यूज्ड कंप्रेसर मिल जाते हैं, गाड़ी को एक्सीडेंट हो गई, टोटल लॉस हो गई, तो पुराने कंप्रेसर आपको इजीली मिल जाते हैं। तो कस्टमर का बजट टाइट है तो आप उसको पुराना लाके आप डाल सकते हो, अगर वो कड़क है तो फिर आप उसको नया डाल सकते हो। सिर्फ आप इसमें मैग्नेट चेंज करें, इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज मत करें, ना कभी इसको खोलें, क्योंकि इसका पार्ट्स आफ्टर सेल में पार्ट्स में इसका नहीं मिलेगा। इसमें जो गैस्केट रहती है, पैकिंग रहता है, ऑयल रहता है, वो नहीं मिलता। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से इसकी चीजों पे। तो ये हमारा कंडेंसर जो रहता है वो रहता है हमारा आगे। अगर हमारी गाड़ी हाईवे पे चल रही है तो बाहर से हमारी हवा लग रही है और कंडेंसर हमारा ठंडा हो रहा है। मान लो कि हम गाड़ी में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चालू है हमारी, अब एसी चालू कर रखा है हम लोगों ने, लेकिन बाहर से इंजन चालू है, इंजन में पानी गर्म हो रहा है और रेडिएटर भी हो रहा है गर्म। दूसरा, एसी चालू है तो कंप्रेसर तो कंडेंसर चल रहा है, कूलिंग कॉइल चल रही है, लेकिन अब उसको वापस से जो गैस गर्म हो गई है उसको ठंडा कौन करेगा, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी चल नहीं रही, हवा इसको लग नहीं रही है, तब क्या रहेगा, इसमें लगता है रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन का क्या काम है कि जैसे ही पानी, जैसे इंजन में पानी चलता है 80 डिग्री पे, 80 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी गाड़ी में पानी चलना चालू होगा, उसको कौन बताता है, थर्मोस्टेट वॉल्व, कौन बताएगा, थर्मोस्टेट वॉल्व। और 80 डिग्री में पानी, इंजन का पानी किसमें आ गया, रेडिएटर में, तो रेडिएटर को कैसे पता लगा मुझे पंखा चालू करना है, उसके लिए रहता है थर्मोस्टेट स्विच, जो किस पे काम करेगा, 80 डिग्री पे। तो गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, टेम्परेचर आपका 80 डिग्री से ऊपर हो गया, तो इंजन का पानी तो किसमें जाना चालू हो जाएगा, रेडिएटर में, और फैन जो है वो चालू हो जाएगा। फैन अब दोनों क्या करेगा, फैन हवा देता नहीं है, फैन हवा खींचता है। रेडिएटर का जो फैन है जो यहाँ पर लग रहा है, ये दिखाइए एक बार, ये जो रेडिएटर का फैन यहाँ पर लग रहा है, ये हवा बाहर से अंदर नहीं देगा, ऐसे ये अंदर से बाहर देगा, जैसे ये जो है ये आपका है, आपका रेडिएटर, इसके आगे क्या लग रहा है, कंडेंसर, ये रहा आगे। तो पहले आपका लगेगा कंडेंसर, उसके बाद आएगा आपका रेडिएटर, और ये इसमें फैन लग रहा है, एक फैन ये रहा, एक फैन इसमें ये रहा, क्योंकि इंजन ये 1600 सीसी है, 1600 जो हमारे जो क्रेटा आती है, जो हुंडई की जो क्रेटा है, ये हुंडई की वरना है, ये सेम इंजन है हुंडई वरना का पेट्रोल में जो आता है, तो 1600 सीसी मतलब 1.6 सीसी इंजन है, हैवी इंजन है, इसलिए इसमें डबल फैन दी हुआ है, इसमें देख सकते हो आप। और जो ये मारुति है ये 1.3 आ जाती है,
1300 सीसी, इसमें एक सिंगल फैन है, तो इसमें देखोगे इसमें सिंगल फैन है। तो ये फैन क्या करता है, हवा बाहर से अंदर नहीं खींचेगा, ये हवा यहाँ से बाहर की तरफ बाहर से सक्शन करेगा कि अगर गाड़ी आपकी 20 की स्पीड पे चल रही है तो हवा नहीं लग पा रही, लेकिन फैन चालू हो गया तो 20 की स्पीड से यहाँ हवा जाएगी, वहां से हवा आएगी, तो ये सक्शन ऐसे खींचता है। तो दो प्रॉफिट है इसको, एक तो खींच रहा है तो बाहर की ठंडी हवा कंडेंसर से और रेडिएटर से होकर गुजर रही है तो वो तो ठंडा हो गया, और जो बाकी जो पंखे के पीछे वो क्या है, इंजन, इंजन को भी हवा लग रही है, पंखा डबल काम कर रहा है, इंजन को भी हवा दे रहा है और बाहर से ठंडी हवा देके रेडिएटर उसको भी कूल कर रहा है। अगर पंखा उल्टा होता कि पंखा हवा फेंक रहा है, जैसे कूलर रहता है ना, कूलर के सामने मैंने रेडिएटर लगा दिया तो हवा देगा नहीं, वो हवा देगा लेकिन वो गर्म हवा देगा, इंजन की गर्माहट को उल्टा गर्म करेगा रेडिएटर को, नहीं समझे, पंखा अंदर है इंजन गर्म है, इधर आई है ये इंजन गर्म है, अगर पंखा यहाँ से हवा बाहर फेंकता इनको ठंडा करने के लिए रेडिएटर को, तो किसकी हवा लेता वो, इंजन की, इंजन सुपर हॉट है, वो उल्टी इनको क्या कर देता, रेडिएटर को कंडेंस उल्टा गर्म कर देता, लेकिन अब पंखा बाहर से हवा को खींच रहा है तो बाहर की ठंडी कर रहा है, प्लस ठंडी होने के बाद इंजन को भी ठंडा कर रहा है। तो ये रहता हमारा फैन जो किस पे लगा रहता है, लगा रहा है हमारे कंडेंसर पे। तो हमारे सबसे पहले जो इंजन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे स्टार्ट होगा एसी का कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कंप्रेसर से पाइप हमारा जाएगा हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर पाइप, क्योंकि कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके वो किस में भेजेगा, कंडेंसर में, किस क्या होने के लिए, ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए। तो कंडेंसर से हवा ही हमारे हाई प्रेशर में, कंडेंसर में, कंडेंसर ने हमारे गैस को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। अब लेकिन किया तो ठंडा है इसने, लेकिन प्रेशर जो दे रहेगा, प्रेशर आप ड्रॉप कैसे होगा, यहाँ पर वो चल रहा है कूलर, मैं तुरंत भाग गया यहाँ से, तेज हवा लगी नहीं पाई मेरे को, और यहाँ पर कूलर लग रहा है, मैं धीरे 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 मजे लेते 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 जा रहा हूँ। तो हवा मुझे किस टाइम पे लग रही है कि जब मैं स्लो चल रहा हूँ, तो अगर हाई प्रेशर से कूलिंग कॉइल में एयर जा रही है, वहां पर ब्लोअर लग रहा है अंदर, ब्लोअर का काम क्या है कि कूलिंग कॉइल की हवा को धक्का मार के इंजन के अंदर भेजना, हमारे केबिन के अंदर भेजना। ब्लोअर एक मोटर है, वो सिर्फ क्या करती है, खाली जैसे पंखे की मोटर है, पानी नहीं चलाओगे तो गर्म हवा आएगी, उसका काम है कि इसे हवा देना ब्लोअर का। अब जैसे कूलर है, पानी की मोटर चल रही है, जालियों से क्या है, पानी की ठंडक अंदर जाएगी, पंखे को मतलब नहीं है, कूलर की मोटर को मतलब नहीं है, वो तो चल रही है अपनी मस्ती में, गर्म ठंडी उसको मतलब नहीं है, पानी डाल ठंडी आएगी। ऐसे जो ब्लोअर है वो रेगुलर चल रहा है, उसको 12 वोल्टेज की मोटर है, उसको बैटरी से पावर मिल रही है। अब उसके पीछे कूलिंग, उसके आगे कूलिंग कॉइल है, आगे यहाँ पर ब्लोअर है, ये कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल क्या है, चिल्ड हो गई है, ठंडी जो हवा है वो कूलिंग कॉइल में गई है, तो अब यहाँ से ब्लोअर फूंक दे रहा है और जाली में से पार होकर ठंडी चिल्ड हवा कहाँ जा रही है, अंदर हमारे केबिन में जा रही है। तो ऐसे करके वो अंदर क्या रहता है, रीसर्कुलेशन होता रहता है। तो अब अगर उसमें हाई प्रेशर जाता कूलिंग कॉइल में भी, तो हवा कूलिंग कॉइल से फटाफट होकर निकल जाती, कूलिंग आपको फील नहीं होती। तो इसके बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, एक्सपेंशन वाल्व, क्या लगाते हैं, एक्सपेंशन वाल्व। ये क्या करता है, एक वेंचुरी रहती है, इसमें क्या रहता है अंदर, जैसे ये है, इसको हम लोग अंदर का जो डायमीटर है ना, ये हमारा कम हो जाता है, तो हवा जो आएगी, ये अंदर जो इसका एरिया वो कम हो गया, तो इसमें क्या रहेगा, हवा का जो जो गैस जाती प्रेशर से, वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और धीरे 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 करके क्या आ जाएगी, वो कूलिंग कॉइल में जाएगी। और कूलिंग कॉइल में अब जो हम लोग गैस यूज करते हैं, वो करते हैं फ्लोरोन, फ्लोरोन गैस की टेंडेंसी क्या है कि ये गर्माहट को एब्जॉर्ब कर लेती है, सक्शन कर लेती है, गर्माहट को सोख लेती है, ये गैस इसकी प्रॉपर्टी है, इसको कुछ करना नहीं है हमें, नॉर्मली क्या करेगी, गैस को, गर्म गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब जैसे हम लोगों ने गैस को कूलिंग कॉइल से निकाला, इसने क्या कर लिया, अंदर की गर्माहट को सोख लिया, और सोखने के बाद वापस से गर्म हो गई। अब वापस से गर्म होकर किस में आएगी, ये कंप्रेसर, कंप्रेसर में आएगी, कंप्रेसर किस में भेजेगा, कंडेंसर भेजेगा, कंडेंसर वापस ठंडी करेगा, फिर एक्सप्रेसर वाल्व में उसका जो भग रही थी उसको स्लो किया, फिर वो कूलिंग कॉइल में जाएगा। तो ये रेगुलर प्रोसेस होता रहता है। दो पाइप इसमें रहते हैं, हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर कौन सा रहेगा, जो कंडेंसर से कंप्रेसर से कंडेंसर में जा रहा है, उसके बाद चिल्ड जब हो गई है वो, तो कंडेंसर से एक्सपेंशन वॉल्व,
एक्सपेंशन वाल से कूलिंग कॉल तक क्या जाएगा, वो मोटे पाइप में लो प्रेशर पाइप में जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर कूलिंग कॉल के आउटपुट से, कूलिंग कॉल के आउटपुट से वापस से क्या चालू हो जाएगा, हाई प्रेशर, वो किस में जाएगा, कंप्रेसर में, फिर कंडेंसर में। तो वहां पर लो प्रेशर पाइप है, लो प्रेशर पाइप के लिए रहता है। अब ये तो होगी हमारी टेक्निकल चीजें, एसी कैसे काम करता है। अब जब गाड़ी आएगी तो गाड़ी में, अब आपको अब ये तो होगी थ्योरी खत्म इसकी, अब गाड़ी आ गई तो गाड़ी में क्या हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारा गेज है, इसमें तीन पाइप है, एक रहता है रेड, एक है ब्लू, एक है बीच वाला। ये बीच वाला पाइप है, इसको सक्शन करने के लिए, सक्शन मतलब कोई भी आपने कंडेंसर खोला और कोई भी आपने कंप्रेसर खोला तो ये ऑक्सीजन है अभी हमारे पास, ऑक्सीजन पाइप में भर गई। आपने कोई भी पाइप कस्टमर वाला भाई साहब मेरा को ये चेक करना, आपने कोई भी या फिर आपने बोनट खोला कुछ भी है, बंपर खोला, आपने एक एसी का पाइप खोल दिया, जैसे इंजन की ट्रेनिंग ले रहे हो आप, इंजन आपने उतारा तो इंजन को आपने उसको उतार के वापस लगा दिया, और जो पाइप लग रहे थे वो पाइप आपने क्या कर दी, वापस से पाइप आपने लगा दिए पाइप आपने। अब पाइप लगाने के बाद उन पाइपों में क्या भर गया, पूरे में ऑक्सीजन भर गई, पूरे में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भर गई। अब मैंने क्या किया, पाइप को लगा दिया और इसमें क्या कर दिया, मैंने गैस को डालना चालू कर दिया। अब मेरे अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन भरी हुई है पाइप में, तो ये अब ये गैस कहां से जाएगी, लेकिन जो ये मीटर है ये क्या बताएगा आपको, गैस ये बताएगा कि गाड़ी में तो गैस भरी हुई है, ये मीटर क्या देख रहा है, प्रेशर देख रहा है ये, तो ये तो दिखाएगा हाँ भाई गाड़ी में प्रेशर है और गाड़ी हमारी ठंडी नहीं हो रही है, तो फिर वो बोलेगा भाई साहब इसे पता नहीं, ये होगा। उस टाइम पे क्या करना है, पूरी गाड़ी को खाली करना है, पहले पूरी पूरी पाइपलाइन को वैक्यूम करके बाहर निकालना है। नहीं समझे, आपने ये मीटर लगाया, आपको मीटर में दिख गया यार गाड़ी गैस तो पूरी भरी हुई है, लेकिन भरी क्या हुई है इसमें, ऑक्सीजन, ये तो बता रहा है, प्रेशर बता रहा है, ये जैसे हवा का प्रेशर है, हवा डालो, पानी डालो, गैस डालो, ये प्रेशर बताएगा मीटर। अब इसमें अगर ऑक्सीजन भरी होगी तो 100 ग्राम तो हम लोगों ने एक गैस डाली तो 100 ग्राम ही गई है गैस, अब गाड़ी में ठंडी हो ही नहीं रही, तो ठंडी होने से पहले जो नहीं जानते तो वो तो भर देता है यार, इसको और डाल दो और भर दो इसको, तो वो ओवरफ्लो किया, कंडेंसर पर उल्टा लोड पड़ जाता है, कंडेंसर भी खराब हो जाता है, उल्टा खराब हो जाता है, कट को दब के चलेगा। आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाओ आप, आपने खाली 8, भाग लोगे क्या 8 रोटी खा के, भाई 4 रोटी खानी, 4 ही खाएंगे हम लोग। ऐसे ही आपके अगर पेट में पानी, 2 लीटर पानी भर दिया मैंने, अब रोटी की जगह का है, नहीं आएगा। एसी की पाइपलाइन में फ्रीऑन गैस होनी थी, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, तो गैस जाएगी कैसे उसके अंदर, नहीं जाएगी। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 2 पाइप है हैवी, ये जो पाइप है इसको हम लोग लगाते हैं, लो प्रेशर रहता है ब्लू वाला, ब्लू मतलब ये ठंडा पाइप है, ब्लू कलर को हम लोग शो करते हैं ठंडक से, और रेड मतलब गर्माहट, कि गर्म आदमी है भाई, लाल हो रहा है। तो अब इसको लो प्रेशर, अब इसमें ये हमारे 3 पाइप रहते हैं इसमें, एक लो का, एक हाई का, अब लो को आपको लो प्रेशर में आपको लगाना है, लो प्रेशर पतला पाइप होता है, क्योंकि मोटा पाइप होता है, लो प्रेशर आपका रहेगा मोटा और हाई प्रेशर रहेगा आपका पतला। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए इधर, एक ये है, एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है, ये आपका है लो प्रेशर, ये है आपका हाई प्रेशर पाइप, और ये हमारा नीचे यहाँ पर एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है। ये पूरी फिटिंग जब गाड़ी खोली थी कंप्रेसर वगैरह ये निकाला था, अभी हम लोग गैस भरने की ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक पाइप है, वहां पर जो मोटा वाला पाइप है इसमें तो क्या लग जाएगा, जैसे गैस का चूल्हा रहता है ना, ऐसे करके इसको दबा के लगाना पड़ता है, और इसको पहले आपको लूज करना है पूरा खोल के, इसको अगर हम टाइट करेंगे तो ये नोब है, ये आती जाएगी तो ये उसको दबा देगी। तो कभी भी आप लगाओ, पहले उसको खोलना है, पूरा लेफ्ट में खोलना है, खोल दिया लेफ्ट में खोला, जैसे सिलेंडर में लगाते हैं ऐसा करके ये इसमें ये लगाना है। उसका
अभी इसको लाइट की जरूरत पड़ेगी, वापस लगाना पड़ेगा अंदर जो मर्सिडीज उसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें गैस उसमें डालेंगे। देखो अभी एक बार रुको, उसको रोको रोको, एक बार रुको। लो प्रेशर को लो प्रेशर में लगा दिया हम लोगों ने, हाई प्रेशर को हाई प्रेशर में लगा दिया। अब मुझे यहाँ से गैस नहीं डालनी इसमें, अब गैस मेरे को नहीं डालनी पहले इसमें, पहले मुझे इसका लीकेज चेक करना है। लीकेज कैसे चेक होगा, अभी अंदर जो एक मर्सिडीज है उसको भी स्टार्ट करके देखेंगे। इसमें लगाओगे वैक्यूम, आप वैक्यूम पंप लगाओगे इसमें, इसको लगाने के बाद वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है 15 मिनट तक। अंदर जितनी चाहे ऑक्सीजन हो चाहे गैस हो, वो क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। और इसमें देखो ये जो जीरो है ना, अगर ये जो ग्रीन है ये है वैक्यूम के लिए, मतलब माइनस में प्रेशर जाएगा आपका यहाँ तक, ये आपका प्रेशर जाएगा माइनस में। तो जैसे आप वैक्यूम लगाओगे अभी इसको स्टार्ट कर देखेंगे, तो वैक्यूम करने पर प्रेशर आ जाएगा आपका माइनस, माइनस होने पर आपको पंप छोड़ना है 1 घंटे के लिए या आध घंटे के लिए। वैक्यूम मैंने बना लिया, अब पंप को आप कुछ नहीं छेड़ना, इसको वैक्यूम पंप को बंद कर दो और 30 मिनट तक गाड़ी को ऐसे छोड़ो। अगर कहीं लीकेज होगा बाल बराबर भी, तो बाहर से ऑक्सीजन आके वापस कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर गाड़ी के अंदर आ जाएगी। और जो माइनस में गया था हमारा, ये क्या आ जाएगा, वापस जीरो आ जाएगा। फिर उस कंडीशन में क्या चेक करोगे आप, लीकेज। तो इसके जितने भी जॉइंट्स हैं वापस शैम्पू का घोल करके स्पंज से आपको घोल लगाना है कि कहाँ से बबूले आ रहे हैं। अब लीकेज का भी तरीका है, खाली गाड़ी में अभी एक इंजन खोला है हम लोगों ने, पाइपलाइन इसकी खाली है, अब इसमें लीकेज आपको अभी पता ही नहीं लगेगा। भाई विजय, इसमें मैं लीकेज चेक करूं तो लीकेज कैसे पता लगेगा, मैं तो गैस निकाल ली पूरी इसकी, मीटर जीरो आ गया, लीकेज कैसे पता लगेगा मेरे को। भाई लीकेज पता, हम लोग साबुन का घोल लगा रहे हैं तो उसे कुछ प्रेशर होगा तभी तो वो बबूला बनेंगे, तभी बाहर आएगा ना। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, उस कंप्रेसर को उल्टा लगाएंगे। पहले वैक्यूम लगाया था हम लोगों ने इसमें, अब क्या लगाएंगे, जहां से प्रेशर दे रहा है तो वो प्रेशर हवा का प्रेशर कहां जाएगा, अंदर लाइंस में जाएगा। फिर हम लोग घोल लाके देखेंगे वो प्रेशर बबूले कहां से निकल रहे हैं। चेक करने के लिए वैक्यूम को कहां लगाना है, उल्टा, कि यहां से वैक्यूम सक्शन हो। पाइपलाइन आ गई लीकेज, मीटर आ गया जीरो, अब ये पाइप खुला हुआ है, मेरे को कैसे पता लगे यहां से लीकेज है। अब मैं इसमें क्या दूंगा, उल्टा प्रेशर दूंगा और हर जॉइंट पे घोल लगाऊंगा, तो जहां से बबूले निकल रहे वहां पे लीकेज है, वो ठीक करना है। वेल्ड हो सके वेल्ड करना है, नहीं तो पाइप को बदलना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाइप को बदलो। और फिर वापस पाइप बदलने के बाद फिर वापस से वैक्यूम आपको उल्टा लगाना है और सक्शन करना है, सक्शन करके इसको माइनस पे लाना है और इसको छोड़ना है। और छोड़ने के बाद अगर ये 30 मिनट बाद जीरो पर नहीं आया तो लीकेज खत्म। फिर आप अकॉर्डिंग टू गाड़ी, स्विफ्ट है तो 450 ml आती है इसमें, स्कॉर्पियो वगैरह बड़ी गाड़ी आ जाएंगी तो उसमें 700, 800, 900, तो हर गाड़ी का यहाँ पर लिखा रहता है इंडिकेशन कि इसमें कितनी अमाउंट ऑफ यहाँ पर चिट लगी रहती है। इधर नहीं है तो नेट पे या फिर इसका जो मैनुअल आता है गाड़ी का उस पे लिखा रहता है कि गाड़ी में कितना अमाउंट ऑफ एयर डालनी है, गैस ना तो उससे ज्यादा डाल सकते हो आप, ज्यादा डालोगे तो रोटी वाला एग्जाम्पल, खानी चार थी खाली छह, हमने दबाव हम पे पड़ रहा है, दबाव इस कंप्रेसर में पड़ेगा, ये प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। कम डाल दिया आपने, 450 डाले, 300 डालनी है तो भी कूलिंग नहीं होगी गाड़ी में, तो गैस ज्यादा होगी तो भी कूलिंग नहीं होगी, गैस कम होगी तो भी कूलिंग नहीं होगी। तो एक्यूरेट अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगी, गैस जाएगी तभी इसमें जाएगी। अब एक ये तो बताया हम लोगों ने को स्विफ्ट पे, एक बताते हैं हम लोग इसको मर्सिडीज पे वैक्यूम करके कैसे वैक्यूम लगाना है। अभी मर्सिडीज का आपको बोनट खोलना है, लो प्रेशर में लगाओ, हाई प्रेशर में लगाओ, और इसको तो रखना है बंद अभी बिल्कुल, इसको रखना है जीरो पे, और इसमें इसको भी रेड वाले को जीरो पे रखना है, सिर्फ इसको खोलना है हल्का सा, एक तो इसमें गैस भरी हुई है इसको खोलना है बस आपको, ठीक है सर। तो उसका जो प्रेशर है, क्योंकि ये वाली लाइन बंद है हमारी, ये वाली लाइन बंद है हमारी, हम लोग सिर्फ ब्लू में लगा के इसमें प्रेशर दे रहे हैं कि उसमें गाड़ी में कितना प्रेशर इसमें आ रहा है, उतना ही खोलना है बस। अभी इनको स्विफ्ट का बताया, अब हम लोग आ गए मर्सिडीज पे कि मर्सिडीज में एसी की गैस कैसे फिलिंग करते हैं। स्विफ्ट का इनको समझाया है, मर्सिडीज भी हम लोग उनको अब बताने वाले हैं।
वापस से एक पाइप लो प्रेशर में हाई प्रेशर में आपको लगाना है, वैक्यूम करना है, पता लगाना है गाड़ी में लीकेज तो नहीं है। एसी में चेक करने के लिए वही है कि मेन कंप्रेसर चालू है नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट करंट देकर चेक कीजिए, प्रेशर देकर चेक कीजिए, प्रेशर है गाड़ी कूलिंग नहीं दे रही है, तो एक बार पूरी गैस को निकाल के वापस डाल के चेक कीजिए। यहाँ पर आपका ये पाइप लो प्रेशर में ये लग चुका है, देख लीजिए लो प्रेशर, तो ये हमारा है लो प्रेशर। और अब हाई प्रेशर का पाइप इस तरफ होगा, अभी नहीं शक्ल देखो, अभी हम लोग इसमें लो प्रेशर पाइप लगाया है, गाड़ी में गैस है, कोई लीकेज नहीं है गाड़ी में, इसलिए क्या है अभी जैसे मैं लो प्रेशर का वाल्व खोलूंगा इसमें ये प्रेशर बताएगा हमारे गाड़ी में कितना प्रेशर है आपके एसी में। ये देखो ये खोला अपन ने, अब गाड़ी में ये प्रेशर आ गया आपका जी सर, गाड़ी में एसी में प्रेशर है। अब प्रेशर होने के बाद भी गाड़ी अगर कूलिंग नहीं दे रही है तो फिर आप इस पूरी की पूरी, अब जैसे ये मैंने इसको लो प्रेशर आप बताओ, ये लो प्रेशर है ये खोला, अब लो प्रेशर पूरा हमारे किससे अटैच्ड हो गया, हमारा गैस से अटैच्ड हो गया। अब अगर मेरे को इसमें अगर जीरो रीडिंग होती तो अब इसमें मैं क्या लगाता, वैक्यूम मैं लगाऊंगा इसमें, यहाँ पर लगाऊंगा मैं वैक्यूम लगाऊंगा, और वैक्यूम से इसमें क्या करूंगा मैं इसकी इसकी रीडिंग को माइनस पे लाऊंगा, वैक्यूम करने के लिए लाऊंगा मैं इसको माइनस पर। और अगर इसमें माइनस करके मैंने वैक्यूम छोड़ दिया मैंने आध घंटे के लिए, और वैक्यूम छोड़ने के बाद अगर वो वापस जीरो पे आ गया तो फिर हमारा ये लीकेज है। अब गाड़ी में गैस आपको डालने के लिए क्या करना होता है, गाड़ी स्टार्ट करके ये जो कैन है इसको आपको खोलना पड़ता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इस टाइम पे गाड़ी में गैस है और एसी इसका चालू है। वैक्यूम करने के लिए एक या तो एसेंट है उसमें एक गाड़ी में हम लोग बताए थे, या फिर नीचे खड़ी आपकी फोर्ड फिगो, फिगो में लगाओ, नीचे करंट भी है उसमें भी क्या करता है सेम, पहले इसको पहले खोलना है, इसको खोल के एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर में लगाओ, और इसको खोल के आपको ये नहीं खोलना है अभी, ये तब खोलेंगे जब वैक्यूम करेंगे या फिर वैक्यूम से प्रेशर इसमें देंगे, आपको सिर्फ ये खोलना है दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट खोलना है, ठीक है। और इसमें इसमें क्या लगाना है आपको, वैक्यूम लगाना, वैक्यूम मोटर लगी हुई है तो दो पाइप में पाइप को देखना है कि खींच का तरह सक्शन, वो सक्शन इसमें करना है, जीरो से रीडिंग कहाँ जानी चाहिए, माइनस में जानी चाहिए, माइनस में गई तो फिर उसको वहीं के वहीं छोड़ दो, फिर वो पता लग जाता। तो ये था, इसमें गैस है, स्विफ्ट चेक कराइए, फिर मर्सिडीज, अब ये फोर्ड फिगो पे जाके वैक्यूम पंप लगाना देखेंगे, वैक्यूम पंप कैसे लगाते हैं, तो अब इसको खोल के इसको खोल लीजिए पूरा, यहाँ से इसको निकाल के अब वैक्यूम पंप लगाइए। तो तीसरी गाड़ी फोर्ड फिगो, ये फोर्ड कार है, इसमें कनेक्शन कर दिया गया है, ये आपका लो प्रेशर वाल्व है, ये आपका कंप्रेसर है एसी कंप्रेसर, इसमें दो पाइप लगे हुए हैं, एक से वैक्यूम निकलने के लिए एक जाने के लिए, तो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि कौन से पाइप से वैक्यूम निकलेगा या सक्शन करेगा। ये जो आपका कंप्रेसर है वो आपका इजी कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, वो चाहिए देख सकते हैं आप, ये जो पाइप है ये वाला आपका ये प्रेशर बढ़ाने का है, और प्रेशर ये सक्शन करने का पाइप है ये वाला,
तो भैया जब हमने पाइप इसमें लगा था आपका खींच फेंकने वाले में, तो इसका जो मीटर है वो जा रहा है प्लस में। वापस को चेंज करेंगे हम तो, आप देखिए ये जो नडल है आपकी वो वापस जाएगी, नीचे जाएगी, जीरो से नीचे। चेक कीजिएगा चेंज करना, ये हमने खोल दिया हमने, ये देखिए प्रेशर आपका डाउन होता है। अभी इसमें वापस लगा दिया है, ये भी जीरो से नीचे आ गया। ये गाड़ी आपकी फोर्थ फिगर गाड़ी आपकी है, इसमें चेक कर रहे हैं अभी कि कितना गैस है कितना गैस नहीं है। साथ में अपने स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमने ये जो पाइप लगाया है इस पाइप में लगाया है, तो पूछते हैं ये पाइप किस चीज़ का है। सर ये वैक्यूम कर रहा है। कौन सा वैक्यूम कर रहा है? ये वाला वैक्यूम कर रहा है, जो ये वैक्यूम कर रहा है इसी की पाइपलाइन से सारे, उसको हम वैक्यूम कर रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो भी उसके अंदर हवा होगी गैस के अलावा, जो भी जिस तरह की भी गैस होगी वो बाहर आ जाएगी। तो इसमें जो अपने डेल है वो कहाँ जाएगा, जीरो से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? जीरो से नीचे जाएगा, माइनस में नीचे जाएगा खींचने पर। तो अब ये करने के बाद हमें क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद प्रेशर देंगे इसको, प्रेशर देंगे तो नीडल प्लस में जाएगी। अच्छा, वैक्यूम किया था आपने, अब इसको आप प्रेशर दोगे, आप चेंज करोगे आप? जी सर, फिर नीडल है जो प्लस में चली जाएगी। अच्छा, नीडल जाएगी यहाँ से जीरो से प्लस में। अब सर अगर हमें देखना है कहाँ से लीकेज नहीं है, तो पहले हम इसको लॉक कर देंगे और फिर ये जो प्रेशर लॉक करेंगे हम इसको, लॉक मतलब लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम करने के बाद सर हम इसको पहले प्रेशर देंगे। ठीक है, प्रेशर दे दिया हमने। प्रेशर देने के बाद ये जो लो प्रेशर वाल्व है उसको हम लॉक कर देंगे। अच्छा, लॉक कर देंगे। अभी हमें अच्छा लॉक कैसे करते हैं इसमें? सिंपल इस लो प्रेशर वाल्व को घुमा देंगे इस तरफ। अच्छा, इस पर लिखा होता है ओपन एंड क्लोज। वैक्यूम कर दे मतलब हमने एयर दे दिया इसके अंदर, जिस हिसाब से पेस है उसका गाड़ी के हिसाब से। अभी लॉक है हमारा, हमने जो बाहर से एयर इसके अंदर दी थी तभी एसी की पाइपलाइंस में फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम सोप वाटर से पाइपलाइन चेक करेंगे कहाँ पे लीकेज है। तो जहाँ पे भी लीकेज होगा तो जो हमने प्रेशर दिया था इसका एयर दिया था वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे हमें गोल गोले देख लेंगे वहाँ पर लीकेज, क्लोज कर देंगे उसको फिर से एक बार। वही अच्छा, अभी प्रेशर वापस से दोहरा जाएगा फिर चेक किया जाएगा, लीकेज सारे बंद नहीं। ठीक, तो अभी ये हो गया आपका ये।